एसक्यूएल के सर्वर के अंदर में हम आपके साथ बात करेंगे आज कि कैसे हम क्यूरी का लिखते हैं, और हम मेजरली आज बात करेंगे स्लैक क्यूरी में। इसी की पहली क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे कैसे हम डेटाबेसेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर हम कैसे डेटा को अपलोड करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर हम जो डेटा टाइप्स है वो कैसे डिफाइन करते हैं और किस किस डेटा टाइप पे क्या क्या चीजें हैं। तो आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सिलेक्ट क्यूरी कैसे पढ़ाएंगे, और साथ में सिलेक्ट क्यूरी का आर्टिकल दूंगा तो जरूर पढ़िएगा उसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डेटा को इंपोर्ट करता हूँ, एक डेटा इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डेटा तो है लेकिन मैं इंपोर्ट करूंगा, और जो डेटा फाइल मैंने आपको भेजा उसी डेटा फाइल पे चीजें बताऊंगा तो आपको प्रैक्टिस में सहूलियत होगी। तो फिर राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं टास्क, टास्क में करते हैं इंपोर्ट डेटा, और हम एक्सेल फाइल से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डेटा सोर्स जो कि है एक्सेल। अब मेरे अंदर में क्या है कि 2016 और इसका का जो है कोडेक नहीं डला हुआ है तो एरर आता है, वो मैं डालने की कोशिश करता हूँ लेकिन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। तो 2097 से 2003 पे ही हम काम करेंगे फिलहाल। फिर यहाँ से हम अपना डेटा फाइल सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रो हिडेड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, हालांकि इस चीज़ पे हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कई बार, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे डेस्टिनेशन में नेटिव क्लाइंट सिलेक्ट करते हैं और 9 PM जो डेटाबेस है उसी के अंदर डालना है। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं, मुझे ऑल लेटर चाहिए, कोई क्यूरी टाइप नहीं करना है तो हमने इसको छोड़ दिया। देन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारा C1 का डेटा है और मुझे जो यहाँ डेटा चाहिए वो डेटा चाहिए एस डेटा के नाम पे, तो हमने यहाँ पे एस डेटा ले लिए और यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट और फिनिश करते हैं। तो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, 50 रो ट्रांसफर हो चुके हैं। डन करते हैं क्लोज। अब यहाँ टेबल में आते हैं तो आपके यहाँ पे देखिए एक एस डेटा नाम का टेबल आना चाहिए बट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया। एक बार रिफ्रेश कीजिए तो यहाँ पे आपको एस डेटा नाम से आ गया। जनरली मुझे डेटा देखने के लिए राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा करना होता है, लेकिन इसमें सिलेक्ट टॉप 1000 रो होता है, इसमें कंडीशन और बहुत सारी चीजें नहीं होती है, सो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऊपर मेनू में देखिए आपको दिखेगा न्यू क्यूरी, न्यू क्यूरी यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे। तो जो सिलेक्ट का क्यूरी होता है, जैसे कि हमने बताया था आपको कि चार क्यूरी मेन होते हैं, पहला होता है इंसर्ट, नहीं सिलेक्ट होता है, माफ कीजिएगा, सिलेक्ट। सिलेक्ट का क्यूरी होता है डेटाबेसिस में से, टेबल में से डेटा को लाना, टेबल में से डेटा को लाना। इंसर्ट क्यूरी होता है टेबल में डेटा इंसर्ट करना। दूसरा आता है अपडेट क्यूरी, जो ऑलरेडी डेटा है उसमें हम डेटा चेंज करते हैं, दैट कॉल अपडेट क्यूरी। और डिलीट क्यूरी जो होता है वो क्या करता है, डेटा को डिलीट करता है। तो वन बाय वन सीखेंगे, तो पहली कुछ क्लासेस में हम बात करेंगे सिलेक्ट क्यूरी की, क्योंकि सिलेक्ट क्यूरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली हम सिलेक्ट क्यूरी पे ही वर्क करते हैं। तो अब सिलेक्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहां देना है आपको सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद देना है फिल नेम, क्या देना है फिल नेम। अब फील्ड नेम के अगर आपको पूरा का पूरा डेटा चाहिए तो फील्ड नेम के जगह पर आप स्टार लगा देंगे तो ऑल फील्ड बाय डिफॉल्ट कवर हो जाएगा। देन यहाँ एंटर प्रेस कर रहे हैं या फिर आगे ही लिख दे, लेकिन जनरली हम लोग एंटर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल क्या है मेरे पास एस डेटा है, क्या है एस डेटा यहाँ। अब इसको रन करेंगे, एक्सक्यूट करेंगे तो देखिए ये हमारे पास माइक्रो पूरा डेटा यहाँ दे दिया। अब इसमें एक चीज और जानिए यहाँ पे टेबल के बारे में, जैसे मैंने सुबह सुबह ही बताया था आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दो चीजें यहाँ पे, पहला कि मेरे पास कई सारे टेबल्स है तो एस डेटा नाम से एक ही डेटा है तो ले लिया, लेकिन कई आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए बहुत सारे डेटाबेसेज हुए हैं सर्वर में तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी अगर एक नाम से सेम सेम टेबल हुआ, क्योंकि डेटा डेटा ऐसे मंथ वाइज ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि सिमिलर टेबल जो है मल्टीपल डेटाबेसिस में हो तो आपका सर्वर को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
ऐसे केसेस में जब प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, आप पहले डेटाबेस नेम से 9 PM क्या है हमारा डेटाबेस है तो 9 PM डाला, और अब यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है, तो क्योंकि 9 PM किसी भी डेटाबेस के अंदर में अगर कोई नंबर स्पेस या किसी तरह के स्पेशल कैरेक्टर है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 9 PM सेलेक्ट कर लीजिए टैब से या लिख दीजिए डॉट, और आपका टेबल का जो टेबल एक्सटेंशन है क्या है, DBO है ना, यहाँ पे लिखेंगे DBO डॉट, अब यहां पे मैंने ले दिया एस डेट, तो इस तरह से लिखें, रन कीजिए डेटा आएगा। तो एक का भी किस केस में यूज करना है, जब आपके पास कई सारे टेबल्स हो और आपको ऐसा लगे कि डेटा आपका एक नाम के दो हो सकते हैं, ऐसे केसेस। और स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट चाहे टेबल हो या कॉलन हो दोनों केस में यूज होता है। अब ऐसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मुझे जो चाहिए वो डेट चाहिए, सारे कॉलम नहीं चाहिए, यहाँ पे हम कॉलम नेम देंगे कि डेट, डेट के बाद यहाँ देंगे हम कॉमा, मान लीजिए मुझे एसओ देना है एसओ दिया, कॉमा मुझे क्वांटिटी देना है क्वांटिटी दिया, मुझे एमआरपी चाहिए एमआरपी नहीं अमाउंट चाहिए अमाउंट हो गया। अब यहां पे है हमारा प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहां अगर मैंने प्रॉफिट परसेंटेज डाला तो ये देखिए ऑटोमेटिक स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया इसने। अगर प्रॉफिट परसेंटेज को ऐसे ही डाल देंगे तो आपके डेटा में दोनों चीज, आपके कॉलम एंड नेम में क्या है स्पेस भी है और स्पेशल कैरेक्टर है, तो जब स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर या डेटाबेस नेम में हो या टेबल नेम में हो या किसी कॉलम नेम में हो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही देना है, इसमें देना है स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मैं इसको रन करूंगा तो जो कॉलम मैंने चूज किए हैं बस वही कॉलम यहां पे आए। तो सिलेक्ट क्यूरी का ये मेथड समझ में आया आपको? सर अब यहां पे दो चीजें होती है, एक होता है कैलकुलेशन, दूसरा होता है आपका कंडीशन। तो अभी हम कैलकुलेशन में बात करेंगे, स्टार लेते हैं स्टार करके रन करते हैं तो डेटा आ गया। अब मुझे मान लीजिए कि मंथ में सिर्फ मुझे मार्च महीने का डेटा चाहिए, किसका डेटा चाहिए मार्च महीने, तो यहां हम कंडीशन के लिए लगाएंगे वेयर, वेयर मंथ मंथ इक्वल टू मार्च। अब मार्च को ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, जो टेक्स्ट है जो कि पार्ट नहीं है कोड का उसको हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में डालेंगे, किसमें डालेंगे सिंगल कोटेशन मार्क, समझे, जैसे कोई नाम हो गया या कोई कीवर्ड्स हो गए उसको हमेशा ऐसे ही डालेंगे। अब इसको यहां हम रन करते हैं, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है मार्च का आया। अब मुझे मान लीजिए मुझे अपने आईडी के अकॉर्डिंग या फिर मान लीजिए मुझे क्वांटिटी बाई सॉर्ट करना है, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सॉर्ट बाय QTY क्वांटिटी ASC, अरे सॉर्ट बाय में क्या दिक्कत हो गया, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, मैं किसी और सोच रहा था, यहाँ पे ऑर्डर बाय हो ऑर्डर बाय, यहाँ पे हमने दे दिया ASC। अब यहाँ पे इसको एक्सक्लूड करते हैं, ये देखिए हमारा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डेटा असेंडिंग में शॉर्ट हो गया, दिख रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका क्यूरी को लिखने का तरीका समझ लीजिए कि मैंने सबसे पहले लगाया सिलेक्ट,
स्लैग के बाद अपने कॉलम नेम, उसके बाद फ्रॉम योर टेबल नेम, उसके बाद वेयर कंडीशन एंड यहाँ पे ऑर्डर बाय योर शॉर्टी, किसमें किसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। मान लीजिए मुझे क्वांटिटी को डिसेंडिंग में चाहिए, यहां लिखूंगा डी ई एस सी, डी ई एस सी, ये क्या हो जाएगा आपका डिसेंडिंग बाय हो जाएगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, समझे। ये आपका तो ये देखा है, तो आपको ये तो याद कुछ और कंडीशन नहीं होगी। हाँ, मैं वन बाय वन बता, देखिए कंसेप्ट को समझ, जैसे कि कोई फॉर्मूला आप याद करते हैं ना, हाँ मैथमेटिक फॉर्मूला याद करते हैं, तो फॉर्मूला का याद करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ आपको याद करना है। जैसे ये आपके सामने दिख रहा है ना, कि पहले सेलेक्ट देना है, सेलेक्ट के बाद कॉलम नेम, फ्रॉम देना है, फ्रॉम के बाद टेबल नेम, वेयर देना है, वेयर के बाद कंडीशन, तो ऑर्डर ऑर्डर, तो इस सेलेक्ट के मेनली चार कंपोनेंट है, क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर, समझ गया है। अब जो जरूरत है वही लगाएंगे, मान लीजिए मुझे कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे ऑल डेटा चाहिए, मुझे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, मुझे जैसा डेटा वैसा चाहिए, तो हम ए फीचर यूज नहीं करेंगे। तो जरूरी नहीं कि सारे फीचर यूज हो, लेकिन सेलेक्ट के चार फीचर्स होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए कि सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर। अब इसके आगे ये चीजें बढ़ती घटती रहेगी, लेकिन चार तो होगा ही होगा मैक्सिमम। तो सिलेक्ट के बाद जैसे स्टार और कॉलम नेम, दोनों में समझ में आया कि स्टार क्या होता है, कॉलम नेम क्या होता है। सिलेक्ट उस फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले और कॉलम पढ़कर नहीं, डेटा नहीं, मुझे देखिए सबसे पहले देखिए कि ये मेरा डेटा है, ठीक है ना, तो मुझे मेरे पास इतने सारे कॉलम्स हैं डेटाबेस में, इतने सारे कॉलम्स हैं, मुझे अगर सारे कॉलम चाहिए तो वी हैव यूज द स्टार, ठीक है, सारे कॉलम चाहिए तो क्या यूज करेंगे, स्टार यूज करेंगे, लेकिन मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए और कॉलम मेरे हिसाब से अरेंज होना चाहिए। जैसे मैं पहले आईडी चाहता हूँ, आईडी के बाद मैं यहाँ पे एसओ नेम चाहता हूँ, एसओ नेम के बाद मैं चाहता हूँ कि कितनी क्वांटिटी गई है, कितनी एमआरपी गई है, तो कॉमा कॉमा करके सारे ये सारे चीज हम लिखेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि फिर इसमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, फिर मैं समझूंगा कौन सा प्रोडक्ट था, कौन सा प्रोडक्ट था, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कौन सा स्टोर था, समझे। तो ये क्या हुआ कि जो कॉलम मैंने लिखा है ना, अब वही उसी कॉलम का मुझे डेटा देगा, पूरा डेटा नहीं देगा, और जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में देगा, समझे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज छोड़ दिया, इसमें मंथ ईयर छोड़ दिया, समझे कि नहीं। आंसर तो यहाँ पे स्टार और कॉलम नेम कब देते हैं, एक तो फिर समझ में आया। अब यहाँ पे लिखता हूँ, जाइए यहाँ पे, अगर मैंने दिया स्टार फ्रॉम एस डेटा, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रन करता हूँ, तो देखिए देखा ये पूरा दिया, अगर पूरा दोनों बिना सिलेक्ट रन करेंगे तो दोनों रन, ये देखिए ये ऊपर वाली क्वेरी का रिजल्ट है, ठीक है। आप इसमें क्या हुआ कि जो जो कॉलम नेम हमने लिखे हैं वही कॉलम नंबर यहाँ पे उसी सीक्वेंस में आए, और इसमें क्या है कि हमने स्टार लगा दिया तो मेरा डेटा जैसा था वैसा पूरा का पूरा डेटा दिख गया, समझ में आया आपकी नहीं आपको। तो कहने का मतलब है कि आपके पास अगर कोई टेबल के अंदर में डेटा है, मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए, जैसा है वैसा चाहिए, तो हम इस कोड को परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
लेकिन मुझे मेरे पास मेरे डेटा में मान लीजिए 15 कॉलम है, मुझे 15 कॉलम की जरूरत नहीं है, मुझे 4-5 कॉलम की जो काम की चीजें वो चाहिए, तो हम इस मेथड को फॉलो करें। ठीक है, हाँ सर, ये समझ में आ गया। अब यहां पे बारी आती है कंडीशंस की। कंडीशन मतलब क्या हुआ कि ये तो ओवरऑल सारा डेटा दे दिया ना, तो मान लीजिए कि आपका नाम पूजा है और मुझे सिर्फ पूजा का डेटा चाहिए, मैं ओवरऑल डेटा लेके क्या करूंगा, मैं तो अपना डेटा लूंगा ना। क्या ऐसे केसेस में हम लिखेंगे कमांड, हम लिखेंगे वेयर। वेयर में मैंने बोला कि एस ओ इक्वल टू सिंगल कोड में पूजा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं अगर, तो आप देखेंगे कि यहां सिर्फ मेरा पूजा का डेटा है आया, नीचे वाला लाइन में ओवरऑल डेटा आया हुआ है, बट यहां सिर्फ पूजा का डेटा आया हुआ है। तो वेयर कंडीशन क्या काम करता है कि मुझे डेटा में फिल्टर लगाना है। यही काम आप एक्सेल से भी करते हो, जैसे एक्सेल में अगर लिए अब उसमें अगर फिल्टर लगाना हो तो एक्सेल से भी सेम काम करते हैं ना। सर जैसे यहाँ पे बराबर हाँ यहाँ फिल्टर लगा देते हैं कि मुझे है। इसमें, मुझे मान लीजिए इसमें सिर्फ वेस्ट का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ वेस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ वेस्ट का डेटा दिखेगा, बाकी डेटा क्या हो जाता है हाइड हो जाता है। ओके, सेम उसी तरह से यहाँ पे। फिर अगर डेटा मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 1 13 जो है डेटा जो है सॉर्टेड नहीं है, अपने हिसाब से ऊपर नीचे है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई आईडी और यहाँ पे ASC असेंडिंग, DES डिसेंडिंग। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे DES मैं नोट्स भेज दूंगा आपको। ठीक जी बिल्कुल, मैं इसका नोट्स भी भेज दूंगा, देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या सीखा, अब जरूरी, अब यहाँ पे एक चीज और है कि जरूरी नहीं है कि हम बाकी चीजें सिर्फ एस में लगाएं, सब में लगा सकते हैं। मुझे मान लीजिए कि मुझे यहाँ भी देना है फ्रॉम डेटा और यहाँ भी वेयर कंडीशन लगा सकते हैं हम, कि वेयर हम यहाँ पे दे देते हैं कि मंथ इक्वल टू जैन, तो सिर्फ जैन महीने का टोटल यहाँ दिखेगा। इसको रन करता हूँ, अब से मुझे सिर्फ इसी को रन करना है, तो सिलेक्ट करके रन करूंगा तो सिर्फ यही रन, तो जैन का सिर्फ डेटा आया, देख सकते हैं। तो कंडीशन यहां भी लगा सकते हैं, और मुझे यहां भी, मुझे मान लीजिए कि क्वांटिटी अकॉर्डिंग असेंडिंग में चाहिए, तो यहां लिखेंगे ऑर्डर बाय आईडी और हम बोलते हैं मुझे डिसेंडिंग चाहिए, तो DES DSC, इसको सेलेक्ट कीजिए, रन कीजिए, तो देखिए आईडी डिसेंडिंग आ गया, आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक अब यहां पे हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि मुझे कई सारी चीजें चाहिए, तो मुझे अगर मल्टीपल कंडीशन चाहिए क्या हो, मल्टीपल कंडीशन, ठीक मतलब कि मुझे जैन का चाहिए, लेकिन जैन कौन सा महीने का चाहिए, तो मुझे 2020 का चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे हम फॉर्मूला एंड का, यहां पे अगेन लिखेंगे ईयर, क्या लिखेंगे ईयर इक्वल टू 2022, ईयर इक्वल टू 2020 लिख दिया हमने। अब मैं रन करूंगा तो जनवरी 2020 का है, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं एंड का।
समझे? तो मल्टीपल कंडीशन में हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, और एंड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मुझे अगर किसी भी तरह का डेटा दो दो टेबल का डेटा चाहिए, टेबल दो कंडीशन पे डेटा चाहिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या दो से ज्यादा चाहिए तो जैसे मान लीजिए कि मुझे मंथ में जैन चाहिए और प्रोडक्ट में एसक्यूएल चाहिए। मंथ में क्या चाहिए? जैन चाहिए, और प्रोडक्ट में क्या चाहिए? एसक्यूएल चाहिए। फिर से एंड यूज करेंगे। हाँ, तो इसके अंदर हम फिर से एंड यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक और एंड लगेगा, यहाँ पे एंड, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू हम लिख देंगे एसक्यूएल, बट सिंगल कोड में क्योंकि नेम है। अब बोलेंगे सर कि आपने जैन को लिखा, एसक्यूएल को लिखा, कि 2020 को नहीं लिखा, तो 2020 नंबर है, तो नंबर अगर यहां भी नंबर है तो नंबर को लिखने की जरूरत नहीं, नंबर को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर को सिंगल कोटेशन मार्क में लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस हम लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है चलिए समझ में आ गया, लेकिन मुझे जैसे कि यहां पे एक चीज देखना है कि हम मल्टीपल कंडीशन में एंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कई बार क्या होता है कि इस कोड को हम रन करें, ये एसओ पूछ आ रहा है, आ रहा है ना एसओ पूछ, और यहाँ हम जैसे देख पा रहे हैं कि बाकी चीजें भी है, तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट, मान लीजिए एसक्यूएल प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैरी कर रखा हूँ, तो एक काम करता हूँ, स्टोर भी है प्रोडक्ट भी, एसओ भी है, मंथ नहीं है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे मंथ जैन का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मंथ हमने लिखा इक्वल टू जैन। तो मैं यहां ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप उसी का कंडीशन लगाएं जिसको आप कॉल कर रहे हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर वाले में यहां पे मंथ है ही नहीं, नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ मंथ जैन मंथ का ही डेटा लिया है, समझे? यहां पे देख, सिर्फ जैन मंथ का ही डेटा लिया है, तो आप यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी कॉलम को आप कॉल कर रहे हो, आप यहाँ पे कंडीशन कई सारे कॉल को लगा सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे एंड कंडीशन तो नहीं यूज करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे जैन फेब मार्च 3 महीने का डेटा चाहिए, कैसा डेटा चाहिए? जैन फेब मार्च 3 महीने का डेटा चाहिए। ठीक है, जैन फेब मार्च 3 महीने का डेटा, तो यहां क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे? नहीं, यहां एंड लगाना नहीं होगा, क्योंकि एंड यूज कब होता है? जब कंडीशन रिक्वायर हो, क्योंकि यहां, सिंगल हाँ यहां पे लिखेंगे जैन और, यहां पे लिखेंगे और, यहां पे एक मिनट करता हूं, मैं नीचे करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको आते हैं, अब इसमें अगर एंड हटा देता हूं मुझे, तो यहां पे मैं अब यहां पे क्या है कि मुझे पहले इसको हटा, इसको एक मिनट इसको रहने देता हूँ, नीचे लिखता हूँ कोड, मेरा डिलीट हो जाएगा, कोड भेज दूंगा आपको मैं, कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डेटा, तो ये फ्रॉम में बराबर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है मेरा, फ्रॉम में जाता है, ठीक, एस डेटा, और यहां पे कंडीशन दिया कि वेयर स्टार, सॉरी वेयर वेयर हमने लिखा मंथ, मंथ इक्वल टू जैन, और यहां पे और लिखेंगे मंथ इक्वल टू फैब, और यहां पे और मंथ
इक्वल टू मार्च, ठीक है। अब इसको रन कीजिए, तो आपको जैन फेब मार्च का डेटा है, किसका डेटा आएगा, जैन फेब मार्च का। ठीक है, अब यहां पे ये तो हो गया। अब यहां पे एक चीज और आता है कि चलो ठीक है, जैन फेब मार्च का आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे ऐसे और करके आगे बढ़ते जाइएगा, लेकिन मैं एंड और दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं, एंड और दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको ब्रैकेट में लिया, यहां देखिए ब्रैकेट में ले लिया, और यहां पे देंगे एंड, और एंड में हमने यहां लिखा ईयर इक्वल टू 2020, ठीक है। अब इसको रन कीजिए, तो आपको 2020 का ही जैन फेब मार्च आएगा, बाकी डेटा नहीं है, समझे कि नहीं। तो जब आपके यहां पे ध्यान रखिएगा, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो, एंड और दोनों की मल्टीपल कंडीशन हो, तो क्या करेंगे हम हमेशा इसको ब्रैकेट में देंगे, किसमें देंगे, ब्रैकेट में, ठीक है सर। तो हमेशा हम इसको ब्रैकेट में देंगे, एंड और लगा सकते हैं, समझ में आ गया आपको। एंड और का मतलब यहां पे दो चीज समझिए, पहले सिलेक्ट समझ में आ गया, सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट में स्टार क्या करता है वो समझ में आ गया, स्टार मतलब पूरा डेटा, हाँ सारे कॉलम्स, सारे कॉलम्स, सारे और कॉलम नेम डालेंगे कब, जब अपने हिसाब से कॉलम नेम चाहिए, कुछ कुछ कॉलम नेम, या फिर अब मेरे हिसाब से अरेंजमेंट चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम कॉलम नेम का यूज सिर्फ सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम के लिए यूज करते हैं, भाई कई बार क्या होता है ना कि हमें अपने हिसाब से अरेंजमेंट चाहिए, कि आईडी पहले चाहिए, एसओ नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, समझ गया ना, समझे कि नहीं। तो अपने हिसाब से कॉलम या कॉलम की अरेंजमेंट चाहिए, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं किसकी, कॉलम्स नेम की। अब यहां पे हम बात करते हैं वेयर, वेयर समझ में आया कि वेयर क्या करता है, पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करता है वो। हाँ, वेयर का काम होता है कि मुझे ओवरऑल डेटा नहीं चाहिए, फिल्टर्स, आम भाषा में इसको हम फिल्टर कह सकते हैं, कि इसका यूज फिल्टर के लिए होता है, किसके लिए होता है, फिल्टर के लिए, मतलब कि मुझे अपने अपने डेटा में से किसी पर्टिकुलर कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम की कुछ एक डेटा चाहिए, कुछ एक की का डेटा चाहिए, फिल्टर लगा के डेटा चाहिए। जैसे मुझे सिर्फ मंथ में जनवरी का डेटा चाहिए, या मुझे मुझे मंथ जनवरी ईयर 2020 और प्रोडक्ट सिक्कुल का डेटा चाहिए, या फिर मुझे जैन फे मार्च 2020 का डेटा चाहिए, ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम, वेयर कंडीशन लगा, चाहे कंडीशन एक कॉलम का हो या मल्टीपल कॉलम का। मल्टीपल कॉलम का डेटा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एंड है या और है। एंड का यूज कब होता है, जब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जैन महीने 2020 का जनवरी का डेटा चाहिए, 2020 के जनवरी का और एसक्यूएल का डेटा चाहिए, तो इसमें क्या हुआ कि 2020 में जनवरी ही सिर्फ होना चाहिए, और 2020 के जनवरी में प्रोडक्ट सिर्फ सिक्वल होना चाहिए, कोई और प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, कोई और साल होना चाहिए, और कोई और महीना नहीं होना चाहिए,
यहां पे क्या लग गया, एंड का कंडीशन कि भाई कंडीशन जो है रिक्वायर्ड है कि यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा आता और कंडीशन, ऑप्शनल, कि भाई जैन भी ले लूंगा, फैब भी ले लूंगा, मार्च भी लूंगा, तीनों ले लूंगा। तो यहां पे क्या है कि तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेटा या तो, यहां मान लीजिए इस रिकॉर्ड आई नंबर 18 को देख लीजिए, या तो जैन हो सकता है, या फैब हो सकता है, या मार्च हो सकता है, तीनों तो नहीं हो सकता ना, एक एक रो इस तीनों में से कोई एक ही होगा ना। अच्छा तो ऐसे केसेस में क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, समझ गए। अच्छा ऐसे केसेस में हम और लगाते हैं। अब यहां पे एक चीज और आता है, ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं हम ऑपरेटर्स की, जैसे कि इक्वल ऑपरेटर तो आपने देख ही लिया। अब मान लीजिए मुझे क्वांटिटी चाहिए जो ग्रेटर देन 50 का है, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डेटा, फ्रॉम एस डेटा, और यहां पे कंडीशन देते हैं कि वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। ने क्या दिया, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50, दिख रहा है आपको 50 सूट वाले आए हैं। या फिर हम लगा सकते हैं लेस देन, कि लेस देन क्वांटिटी इज 50। कौन सा बात, ठीक है। तो यहां पे लेस देन ग्रेटर देन, यहां पे लेस देन इक्वल टू डाल सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू आएगा। ऐसे यहां पे आप दे सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। तो मान लीजिए कि मुझे सबका डेटा चाहिए जैन छोड़ के, जनवरी का डेटा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम चाहते एंड या और जो भी लगाना है लगा ले। मैंने यहां पे लिखा मंथ, मंथ में हमने यहां पे दिया सिंबल कोड इक्वल, हमें लिख देता जैन, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल। ये आपने मंथ के आगे जो स्पेशल मार्क है ये, आपका लग शिफ्ट के साथ वन आता है। ये किस लिए यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जैन, मतलब जैन छोड़ के बाकी सब, या जैन छोड़ के बाकी सब, ठीक है। ठीक है। कि नॉट इक्वल टू को एक तरीके और भी है, उस तरीके से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आता है आपका ए ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस ग्रेटर देन लेस देन, इसको भी बोलते हैं नॉट इक्वल। हालांकि एक्सेल में तो काम करता है, वीवीए में देखें, हाँ यह भी सेम है। देखिए जैन कहीं नहीं है तो ए भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। समझ गए मैम, ये जो मैंने बताया लॉजिक ऑपरेटर इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इसको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें होता है कंपेयरिंग। क्या होता है, कंपेयरिंग, ये कंपेयर कंपेयर ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपेयर, ठीक है।
और मैम स्लैक क्यूरी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा कि मैं इसकी नोट्स आपको भेज दे रहा हूँ, डेटा मैंने आपको भेज ही दिया है, तो एक बार ए स्लैक क्यूरी की प्रैक्टिस कर लें तो आगे क्लासेस और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आगे क्लासेस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस लगाएंगे, जिसमें हम थोड़ा सा लंबे लंबे क्यूरी लिखेंगे, तो छोटे छोटे क्यूरी लिख रहे हैं, लंबे लंबे क्यूरी लिखेंगे, तो क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ प्रैक्टिस तो करूंगी सर। अच्छा एक बात बताइए कि ये आपका की डेटा बेस तो ऑलरेडी क्रिएट होगा अगर मैं इन केस। सारी क्वेरीज लिखनी पड़ेगी और बाकी मेरा डेटाबेस पूरा क्रिएट रहेगा मेरे केस में सिस्टम में। जी हाँ नहीं होगा क्वेरी को समझना अपना देखिए क्या अगर होगा, एक देखिए क्वेरी। देखिए क्या होगा, देखिए आपके पास डेटा होगा, जैसे मान लीजिए डेटा आपके सामने है ना, मान लीजिए मेरे सेल्स डेटा होगा, अब ये डेटा फिलहाल तो 4 साल का, लेकिन हो सकता है कि 15 साल का, 10-20 साल का या सबका डेटा हो, क्योंकि डेटा तो इकट्ठे होगा ना, कम्युनिटी डेटा जो होगा, माने कंपनी का 10 साल से चल रही है, तो उसके सिस्टम में सर्वर में पूरा 10 साल का डेटा होगा। अब मान लीजिए कि आपको जनवरी महीने का रिपोर्ट बनानी है, तो 10 साल का डेटा थोड़ी इंपोर्ट करेंगे आप, दो अभी मुझे बोला गया कि एक काम करो फरवरी का रिपोर्ट बना के दे दो, तो मुझे फरवरी के रिपोर्ट के लिए तो मुझे तो फरवरी का डेटा ही चाहिए ना, तो मान लीजिए कि हम एक्सेल पे, एक्सेस पे या जो भी हमारा पावर बीआई है, टैबलू है, जहां भी मुझे रिपोर्ट बनाना है, वहां जब डेटा इंपोर्ट करेंगे, अगर जनरली अगर मैंने जो यहाँ डेटा कनेक्शन होता है, यहाँ डेटा कनेक्शन में जाके हम अगर डेटा कनेक्ट करेंगे, तो ओवरऑल डेटा आएगा ना मैम, तो मुझे सबसे पहले मान लीजिए कि जो डेटा निकालना है यहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे वेयर कंडीशंस है, तो मुझे बोला गया कि सुजीत मुझे एक काम करो कि जो मेरे सेल्स सेल्स का डेटा है ना, मुझे जनवरी महीने का सेल्स के ऊपर एक सेल्स समरी बना कर दे दो, या फिर फरवरी महीने के ऊपर, तो सबसे पहले तो मुझे फरवरी महीने का डेटा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना, या फिर एक्सेल में जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैं सही बोल रहा हूँ मैम? तो आपको उस केस में आपको अपने हिसाब या रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि मंथ इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे जैन और यहाँ पे कॉमा एंड सॉरी एंड एक स्पेस देना पड़ेगा एंड, और यहाँ पे ऑल्सो मैंने ईयर इक्वल टू मैंने दे दिया 2024 मंथ फाइव हो गया, तो ये जो डेटा है इस डेटा को मुझे क्या करना है, ले जाना होगा जो भी मेरा रिपोर्टिंग टूल्स है उस पे, मंथ फाइव ईयर 2024 नहीं 2023 है, 2023 का डेटा है, मान ली 24 नहीं, यहाँ क्या 2023 का डेटा एक महीने का, क्योंकि यहां आपको 10 हजार का डेटा मैं दे रहा हूं ना, लेकिन कंपनी के अंदर में तो ये लाखों करोड़ों रुपए का डेटा होगा ना, और सामने वाला बंदे को क्या पता, जब क्योंकि जो आप डेटा जब किसी एक्सेल में ही पैच करोगे, सबसे पहले बात यहाँ पे एक्सेल की एक लिमिटेशन है, दूसरा चीज है कि मुझे फरवरी महीने का सेल देखना है, तो फरवरी महीने के जगह सेल में हम पूरे 10 साल का डेटा क्यों रखेंगे, कामांगा रिपोर्ट को और हैवी करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल का रिजल्ट शीट है, तो रिजल्ट शीट में जो करेंट रिजल्ट है वही ना शो कीजिएगा, कि स्कूल 50 साल से चल रहा है, तो 50 साल का रिजल्ट शीट रखिएगा, लेकिन डेटा बेस में सब कुछ होगा ना, तो हर महीने के लिए अलग अलग डेटा बेस तो नहीं बनेगा ना, हर महीने का सेल डेटा अलग अलग थोड़ी बनेगा, सेल डेटा तो एक ही होगा, इसमें डेली बेसिस में उसकी एंट्री आएगी, जो भी जैसे सेल होगा वैसे डेली एंट्री आएगी, अब मुझे यहां से मंथ वाइज, ईयर वाइज, प्रोडक्ट वाइज डेटा को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्यूरी चाहिए ना मैम, बात समझे कि नहीं, सर। इसके लिए आपको क्यूरी सीखना हो, यहाँ तो सिंपल हो गया है कि आपको पहले तो सिंपल आपको पता चला कि मुझे डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा क्वेरी लिखना है, तो सेलेक्ट ए लिखना है, फिर आपने जो बोला कि नहीं मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही एक्सपोर्ट करने हैं, तो चलो मैंने ए बताया,
फिर मैंने बोला कि मुझे कुछ कंडीशंस भी लगाने हैं, सिंपल कंडीशन तो मैंने ए बताया, मेरा मेरे पास कुछ मल्टीपल कंडीशन लगाने हैं तो मैंने ए बताया एन नंबर। क्योंकि जब डेटा एक्सपोर्ट करोगे तो मान लीजिए कि आपकी कंपनी का पैन इंडिया काम कर रही है, तो आपको डेटा अपने सिटी का स्टोर करना है, जिस जिस टीम को आप देख रहे हैं, तो टीम का कंडीशन लगाना पड़ेगा, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, किस रेट ऑफ प्रोडक्ट का। जैसे कंपनी बोला कि एक काम करो मुझे प्रीमियम प्रोडक्ट का रिपोर्ट दो, तो प्रीमियम प्रोडक्ट का यहाँ छापना पड़ेगा आपको, प्रीमियम प्रोडक्ट क्या है, तो प्रीमियम प्रोडक्ट का कोई इनिशियल की होगा, या फिर कुछ ने बोला कि प्रॉफिट रेट, जो आप प्रीमियम प्रॉफिट रेट है, हायर प्रॉफिट रेट है, उसका रिपोर्ट बना के दो। तो आपको कोड लिखते समय ध्यान देना होगा कि मेरा डेटा है क्या और मुझे डेटा इसमें से चाहिए, उस हिसाब से क्यूरी लिखना। और इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस, पहले ही दिन आप नहीं समझ जाएगी। और सुबह मैंने बताया था आपको कि हम कैसे डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे, बताया था ना आपको, क्यूरी के थ्रू, या फिर इंपोर्ट, आप जो है इंपोर्ट कैसे कीजिएगा या एक्सपोर्ट कैसे, ठीक है। तो ये सारे कोड मैंने, ये जो लिखे हैं वो भी भेज देता हूँ आज, उसके बाद मैं उसका नोट्स भी आपको भेज दिया हूँ वर्ड में, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। डेटा सेट भी भेज दिया, और डेटा सेट को इम्पोर्ट करके फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, और कल की क्लास में हम आगे सीओ पे डिस्कस करेंगे, कल इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, बस ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कल की क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी।